आप जानते हैं कि आपकी बाई एड़ी आपको वह सब कुछ दिला सकती है जो आप पाना चाहते हैं। अपनी बाई एड़ी के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको ये जानकारी है कि यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह धन, पोजीशन और फेम हो, बस आपको मांगना आना चाहिए। यकीन मानिए, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आपको यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाना है, यूनिवर्स की ज्यामिति से अपनी ज्यामिति को मिलाना है। आइए हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स की ज्यामिति क्या है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर निरंतर लगाती रहती है और सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर अपने निर्धारित पाथ में लगाते रहते हैं, परंतु यूनिवर्स के सौर मंडल में कभी भी कोई डिसबैलेंस नहीं होता है, जिसका कारण ज्यामिति ही है। पेड़ पौधे जानवर ये सब यूनिवर्स की ज्यामिति से अपने आप को जोड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग्स हैं, ये भी अपनी ज्यामिति में है। इनकी ज्यामिति जितनी स्ट्रांग होगी उसकी लाइफ उतनी ज्यादा आसान होगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि पुराने समय में 80 और 90 के दशक में जब टीवी नया नया आया था तब उसमें कभी कभी सिग्नल चले जाते थे, तो हमें छत पे जाकर एंटीने की डायरेक्शन ठीक करनी पड़ती थी और जब वह एंटीने का अलाइनमेंट ठीक हो जाता था तो टीवी में सिग्नल्स आने लगते थे। परंतु मनुष्य ही अपने बुद्धि के बल पे इस ज्यामिति से पृथक हो रहा है। जैसे आजकल लोग योग को एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही समझ बैठे हैं, बस हम उसी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि योग एक प्रक्रिया है जो आपको आपकी ज्यामिति को मजबूत कर यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें भी यूनिवर्स से ऊर्जा चाहिए तो अपनी बॉडी को ठीक अलाइनमेंट में रखना जरूरी है, जिसके लिए निरंतर योग करना होगा, जिससे आपकी ज्यामिति स्ट्रांग बनेगी। तो आज जो एक विशेष बात हम आपको बताना चाह रहे हैं वो यह है कि हमें बस एक विशेष तरीके से बैठना है और अपनी बॉडी को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना है, तो बस हमारी सभी समस्याओं का इलाज स्पाइन में ही है। हमारे शरीर का एक भाग और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी ज्यामिति को यूनिवर्स से कनेक्ट करने में सहायक है, वह है हमारी लेफ्ट हील या बाई पैर की एड़ी, जिसे साइंटिफिक और मेडिकल टर्म भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जिस स्थान पर श्री कृष्ण को तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। अकिलीज एक महान यूनानी योद्धा था। यूनानी मानते थे कि उससे महान योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। वो ट्रॉय के युद्ध का महानायक था और होमर के इलियाड का प्रमुख नायक था, जिसकी मृत्यु भी यहीं पर तीर लगने से हुई थी। बाई एड़ी हमारे शरीर का एक अहम पार्ट है और वह इतना पावरफुल है कि उसका अगर ध्यान रखा जाए तो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होने में सहायक होता है। जब भी हम किसी स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान को हमारा मूलाधार चक्र, जो कि हमारी स्पाइन का सबसे लास्ट पार्ट है, वह टच करता है और स्पाइन ही है जो ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती है। तो आज हम आपको इस अकिलीज का उपयोग बताएंगे, जरा ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जब शिव जी ध्यान में बैठते थे तो उनकी बाई एड़ी उनके मूलाधार चक्र से टच करती हुई होती है। जब हम बैठे तो लेफ्ट हील अर्थात अकिलीज को मूलाधार चक्र से टच करके बैठने से बॉडी एक ऐसे अलाइनमेंट में आ जाती है जो कि यूनिवर्स के अलाइनमेंट से मैच करता है, और बस यहीं से शुरू होता है हमारा और यूनिवर्स का संबंध। हमें अपने आसपास के वातावरण में होने वाली सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है, किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया को लगातार अभ्यास में लाने से ब्रेन का पावर 500 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, याददाश्त अच्छी हो जाती है,
हम दोबारा से वही बात दोहराना चाहेंगे कि आप जो चाहते हैं, यूनिवर्स आपको जरूर देगा। अपने शरीर को पहचानें, अपने बाईं एड़ी का उपयोग करें। इस पोजीशन में दिन में 10 मिनट जरूर बैठे, हो सके तो सुबह का वक्त चुनें और अपने विचारों में फर्क देखें। हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि बाहर की परिस्थितियां तो वैसी ही रहेंगी, परंतु आपके अंदर एक बदलाव आएगा जो आपको बाहरी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से तालमेल बनाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमें कृतज्ञ करें।